ये टिपिकल एंटालजी गेट है जो ऋषभ की है, इनको राइट साइड में प्रॉब्लम है काफ़ी। और वापस जाए काफ़ी लिंप कर रहे हैं, हालांकि लेफ्ट साइड ठीक है बट पूरी बॉडी टिल्ट कर रही है जब चलते हैं। कितने सालों से चल रहा है सर? 1.5 साल। उससे पहले बिल्कुल ठीक थे? हाँ बिल्कुल। और बाकी और भी कहीं पेन है? नहीं बाकी तो कहीं नहीं, सिर्फ यही है। यस। चलो सर, कभी ये भूल कर भी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, कभी नहीं, एकदम नहीं। 1.5 साल से ही है? हाँ, मतलब एक बार साइकिल से भी गिरा, कुछ भी गिरा, हाँ। हाथ जला लिया, लेकिन हाँ। इसका कोई कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तो कोई बुखार आया है कुछ कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर, कुछ। पहली बार बस ये हुआ? हाँ, एक बार बुखार आया था बस। हाँ हाँ जी जी जी। कहाँ रहते हैं? बेगूसराय। जी जी जी। तो अभी चलने फिरने में कितनी परेशानी? अगर चलना चाहो मान लो तो एक आध किलोमीटर चल लेते हो? नहीं नहीं। सीढ़ी चढ़ने में? सीढ़ी चढ़ने में चढ़ लेता हूँ लेकिन ज़्यादा ना। ज़्यादा नहीं, एक बार लेट हो जाए देखते हैं। ऋषभ के एग्जामिनेशन में शॉर्टनिंग है, अराउंड 1 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग है, ज़्यादा शॉर्टनिंग नहीं है। और अगर मसल्स देखा जाए तो ज़्यादा वेस्टिंग भी नहीं है क्योंकि चल रहे हैं और 1.5 साल की ही हिस्ट्री है, तो इतने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है मसल्स में। डिफरेंस आता है जब हम बहुत सालों के बाद आते हैं ये, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ता। इसको मोड़ो एक बार, ये देखिए पूरा मुड़ रहा है, और ये जस्ट 30 डिग्री फ्लेक्शन है और रोटेशन तो बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं बाहर करता हूँ तो भी नहीं है, पूरा पेल्विस मूव करता है। इसको अगर हम करते हैं इसमें अच्छी मूवमेंट है, लेकिन अगर इसको करते हैं तो ये देखिए पूरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, दैट मीन्स कि जो जॉइंट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हो? ओके, आ जाइए वापस आइए। एक बार वापस आओ एक बार। तो पेन किलर रोज खानी पड़ती है? नहीं, पेन किलर बंद कर दिया। हाँ ठीक, चलो 2-3 महीने से। गुड। चलिए अब तेज चलो जरा, 1-2-3 किलोमीटर। हाँ अच्छा, तो ऋषभ का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेग लेंथ इक्वल है, पेन था पहले बहुत और अब बिल्कुल फ्री है मूवमेंट्स, सॉरी बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स हैं। और अब तो चलते हुए पता नहीं चल रहा है कि कौन से पैर का ऑपरेशन हुआ था। बैठो जरा उधर, बैक करके चौकी लगाइए। कितनी एज है अभी आपकी? 17 ईयर। तो इन यंग बच्चों को ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, इनको सारी ज़िंदगी के लिए हम चेयर पर नहीं बैठा सकते हैं, एंड दैट्स वेयर MIS टेक्निक कम्स हैंडी। सिर्फ MIS टेक्निक के साथ ही पेशेंट ऐसे बैठ पा रहे हैं। और अभी तो थोड़ा जैसे लग रहा है, थोड़ा टाइट लग रहा होगा ना, जैसे जैसे आप बैठेंगे रेगुलर तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नीचे बैठ कर देखिए एक बार, खड़े होइए एक बार फिर। तो मीन्स बड़ा इजीली आराम से बैठ पा रहे हैं, एंड दीज एक्टिविटीज़ आर वाइटल फॉर इंडियन कल्चर, क्योंकि इसमें जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं या सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और कैसा आपको कैसा लग रहा है? बच्चा जब आया था कैसे था? लंगड़ा रहा था, पेन तो थे सर बच्चे को, और आप घबराए भी हुए थे। और जब हमने शुरू में बताया था कि 1.5 महीने तक वज़न नहीं डालना है, तो उस टाइम भी आप थोड़ा सा डाउटफुल हो गए थे कि ऐसा क्यों हो गया है। वो इसलिए था कि इनकी हड्डी बहुत कमज़ोर थी और उसमें जो इम्प्लांट की ग्रिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम इमीडिएटली वेट बेयरिंग करें।
हालांकि हम सभी पेशेंट्स को विद इन 6 से 8-10 घंटे में चला देते हैं, हाँ, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं किया तो उसका फ़ायदा हुआ। अभी देखो एक्सरे में हम देखते हैं, आपका जो फर्स्ट एक्सरे था ये था सर्जरी के कुछ दिन बाद का एक्सरे था आपका, तो इसमें अगर आप देखें तो ये इम्प्लांट है, बोन कितनी थिन है, बिल्कुल बोन में बिल्कुल जान नहीं है और आसपास बिल्कुल कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो आज का एक्सरे हमने देखा तो इसमें आप देखें कि आसपास काफ़ी कैल्शियम बन गया है, ये डिपॉजिट हो गया कैल्शियम, दैट मीन्स कि इम्प्लांट फिक्स हो गया है। इस व्यू में भी आप देखें ये कैल्सिफिकेशन हो गया है और बोन अब धीरे धीरे थिक होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब चलता है 1.5-2 किलोमीटर आप चलते हो रोज़, तो जितना आप चलेंगे जितना आप इस पे वजन डालेंगे हड्डी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इसलिए कई बार हमें मेरे बच्चे के लिए तो भगवान से कम नहीं है, जवान लड़का था और जी इसको देख के बहुत परेशान। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसी एज ग्रुप में होती है, 16, 17, 18, 20 तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ही इज़ लकी कि इनको बाकी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो क्या होता, गर्दन स्टिफ हो जाती है, स्पाइंस आगे झुक जाते हैं बच्चे, दोनों हिप्स में हो जाता है। तो मुझे लगता है अब इनको आगे कभी भी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, सब काम करेंगे जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। ठीक है, अब आप बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, जो मर्जी करिए। ठीक है सर, गिरने वाले का थोड़ा देखो, वो तो ऐसा है ना, कोई नॉर्मल इंसान भी गिरता है तो उसको भी डर रहता है कि फ्रैक्चर हो जाए, तो सभी को प्रिकॉशन रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी मना भी करते हैं कि स्पोर्ट्स नहीं करना है, बाकी आप सब एक्टिविटी करें, नॉर्मल पढ़ाई करिएगा। ठीक है, डॉक्टर बनेंगे, गुड गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट।